कानपुर के पार्कों की अब दशा और दिशा दोनों बदलेगी। जी हाँ, कानपुर नगर निगम ने इसका बीड़ा उठाया है। कानपुर के 34 पार्कों को पहले चरण में चिन्हित किया गया है, जिनकी साज सज्जा और सुंदरीकरण का काम कानपुर नगर निगम कराएगा। आपको बता दें, इसके लिए 1,77,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जो शहर के पार्क अव्यवस्थाओं के बलि चढ़ चुके हैं। इन पार्कों का रख रखाव अब नगर निगम द्वारा किया जाएगा। इसमें पाथवे बनाए जाएंगे, बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे, रंग रोगन का काम होगा, अच्छी अच्छी दीवारों में पेंटिंग्स बनाई जाएंगी, बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्कों में आकर कानपुर एक स्मार्ट सिटी है और इस स्मार्ट सिटी को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम लगातार काम कर रहा है। इसी क्रम में जो शहर के बड़े पार्क हैं, जो अव्यवस्थाओं के चलते खराब हो गए हैं, उनका रखरखाव नहीं हुआ है, ऐसे पार्कों का चिन्हीकरण किया गया है और कानपुर के 34 पार्कों की अब दशा और दिशा नगर निगम सुधारेगा। जी हाँ, कानपुर में 34 पार्क चिन्हित किए गए हैं, जिनको अब 1,77,00,000 रुपए की मदद से उनके सुंदरीकरण किया जाएगा। उसमें पाथवे बनाए जाएंगे, बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, बच्चों को खेलने के लिए झूले लगाए जाएंगे। आपको बता दें, इन व्यवस्थाओं के चलते जो मॉर्निंग वॉकर है, उन्होंने पार्कों में जाना भी बंद कर दिया है। वह पार्क अब दूसरे गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम कई दिनों से लोग भी अपील कर रहे थे नगर निगम से कि इन पार्कों का सुंदरीकरण किया जाए, लेकिन कई दिनों से इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब जब शहर को स्वच्छता की ओर स्वच्छ करने की बात की जा रही है, शहर में सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, तो अब जो पार्कों का सुंदरीकरण है, उसके लिए भी नगर निगम आगे आया है और कानपुर के 34 पार्कों को चिन्हित किया गया है, अब इनका सुंदरीकरण किया जाएगा। लखन प्रताप सिंह, न्यूज 18, कानपुर।